वेलकम स्टूडेंट इन थर्ड सेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड इज प्योर. टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थर्ड एलिमेंट टाइप्स मेटलॉइड्स. ओके सो देयर आर ए फ्यू एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. मीन्स ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो दोनों की प्रॉपर्टी शोज करते हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल दे लुक लाइक मेटल्स बट दे आर ब्रिटल. मीन्स वो आपको दिखेंगे तो मेटल जैसे बट ब्रिटल मीन्स वो ब्रेकिंग मतलब कि उसके पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके जस्ट लाइक इन नॉन मेटल्स. ओके सो दे आर नाइदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स नॉर इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल. मीन्स ना तो वो कंडक्टर है. मीन्स कंडक्टर मीन्स दोज पासिंग द करंट पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ओके पासिंग द हीट एंड इंसुलेटर मीन्स देयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ दैट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो जस्ट लाइक एक नॉन मेटल सो मेटलॉइड्स नाइदर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स एंड नॉर इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल. सो दे आर सेमी कंडक्टर्स. ओके दे आर कंसिडर एज ए सेमी कंडक्टर. सो द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. क्लियर दिस वन. एंड वी कैन ऑल्सो कॉल दैम सेमी मेटल्स. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल बोरॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम. नाउ नेक्स्ट देयर इज ए क्लासेस ऑफ मैटर कंपाउंड. ओके नाउ अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. मीन्स कंपाउंड इट इज अ वन काइंड ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड बाय टू और मोर एलिमेंट्स. ओके केमिकली कंबाइंड मीन्स वो केमिकली कंबाइंड होते हैं एंड एट ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोपोर्शन आप उसमें मिक्स करो. नो देयर इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन by mass. For example H2O. okay NaCl means that water, sodium chloride NH4Cl, ammonium chloride CaCO3 means calcium carbonate, NH3 means that ammonia. Clear this one. So how it is means there is a fixed proportion. So first we take the example of water. Okay look here. There is a water is a compound made up of two elements of hydrogen. This two is showing there is a number of atom of hydrogen. Okay, in this compound hydrogen and oxygen one oxygen. Okay, so chemically combined in a fixed proportion of that 1:8 by mass. Okay, so there is a similarly common salt. ठीक है मीन्स ये एक मॉलिक्यूल जैसे अपने वाटर का अंडरस्टैंड हो गया आपको जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है. ठीक है तो इसमें हाइड्रोजन एटम 2 रहेंगे और ऑक्सीजन एटम 1 रहेगा एंड वन मॉलिक्यूल में. ओके बाय मास प्रोपोर्शन देर इज ए 1:8. ठीक है बाय मास मीन्स देर इज ए हाइड्रोजन इज 1. ओके बाय मास एंड ऑक्सीजन का मास कितना है 16. सो हाइड्रोजन 2 है मतलब कि कितना हो गया इसमें दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 तो मतलब 18. तो इसमें 18 क्या रहेगा इन दोनों का मीन्स देर इज ए कंबाइंड मास. ठीक है ऐसा ही सेम रेशो रहेगा मतलब ऑलवेज 1:8. पहले आप कितने भी मॉलिक्यूल्स बनाओ उसमें 1:8 तो एक मॉलिक्यूल में 1:8 फिर सेकेंड मॉलिक्यूल में फिर वैसे ही लाइक दैट. अब नेक्स्ट लेते हैं अपन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड मींस कॉमन सॉल्ट आल्सो वी कैन टेल. सो इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स वन इज सोडियम एंड सेकेंड वन इज व्हाट क्लोरीन. क्लियर दिस वन. एंड सेम लाइक दैट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. क्लियर. नाउ टेक द अगेन एग्जाम्पल द कैल्शियम कार्बोनेट. ओके इन दैट कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम इट इज अनादर वन. ओके एंड कार्बन एंड देर इज ए कार्बोनेट. क्लियर दिस मीन ऑक्सीजन. तो हियर इज थ्री एलिमेंट्स आर देयर
and NH3 ammonia, nitrogen and hydrogen are there. So here is two element like that. So now compounds can be further divided into three classes. This compound again divided in three classes: acids, bases and salts. These are the three classes of compounds. On the basis of their properties, means according to basis of their properties, compounds are divided in acid, bases and salt. So for take the example of that acid H2SO4, means that sulfuric acid, okay, and that base is sodium hydroxide. NaOH means what? Sodium hydroxide. These are the example of base. And salts ka example kya? Na2SO4 means sodium sulfate. These are the example of salts. Clear this one? And this acid, base and salts we will discuss in detail in another chapter. So now we have to move in that second topic, that is a characteristic of compounds. Okay, so what are the characteristic of compounds? Are there a compound cannot be separated into its components. Components means jisse milke bane. For example, that water. Water kisse milke bana? Hydrogen and oxygen. Theek hai? So aap physical method se means unko alag nahi kar sakte. Okay, so we can't that separated by physical method. Clear this one? Second, properties of compound are entirely different. Look here, entirely matlab puri tarah se wo different rehti from those of its constituent elements. From those of its constituent elements. Is pure isme main aapko water ka jyada se jyada example le rahi hu ki aapko easily understand hoga. Theek hai, properties of compound are entirely different means what? Look, that hydrogen and oxygen both are what? One is a combustible substance. Hydrogen ke sath substance hai, combustible substance hai. और ऑक्सीजन क्या है? हेल्प इन कंबशन. सो कंबशन में हेल्प करती. कंबशन मतलब बर्निंग. सो आपने देखा कि उनके दोनों ही कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कैसे प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट है. ठीक है, और जब उनसे मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके कंपाउंड बनता है तो क्या फॉर्म होता है? वॉटर. ठीक है, और वॉटर की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट. आप उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसा आप बता सकते हो क्या? नो. ठीक है, सो now third is what? Energy. Energy means there is a energy consumption. Means usme energy consumption bhi ho sakta hai aur means absorption bhi ho raha hai aur generate bhi ho rahi. Means dono way mein. Means jab bhi compound banta hai, okay, so the energy in the form of the heat, light or etc is usually either given out. Means agar compound banta hai to means that energy in the form of heat, light etc are given out or otherwise absorbed during the preparation of a compound. Means jab bhi compound banega ya to absorb hongi energy ya fir generate hongi. Clear this one? Next point is a compound has a fixed melting point and boiling point etc. Okay, this topic is what? Remember that there is a pure substance and impure substance. Properties are there. जो प्योर सब्सटेंस रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है? फिक्स. तो कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है. रिमेंबर दैट अ कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग. नेक्स्ट वन इज व्हाट? अ कंपाउंड इज ए होमोजेनियस सब्सटेंस. इन दैट इज होमोजेनियस मीन्स एक जैसे आप वॉटर में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहां हाइड्रोजन है कहां ऑक्सीजन. ठीक है, मीन्स यूनिफॉर्मली लुक्स लाइक यूनिफॉर्मली. क्लियर दिस वन? नाउ there is a next point is what? The composition of a compound is fixed. ठीक है, the constituent are present in a fixed proportion by mass. Okay, this topic we already discussed in that. Means fixed proportion रहता है, that 1:8 in water. Clear this one? Now revision. So what we know that today, metalloids. Okay, the elements which show some properties of metals and some other properties of non-metals are called the metalloids. Okay, for example, boron, silicon and germanium. And next we studied that compound. A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. ओके, मीन्स उनका जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे वाटर में है तो इनका फिक्स प्रपोर्शन रहेगा. ठीक है, ऑलवेज सोडियम क्लोराइड, इसमें भी सोडियम और क्लोरीन का प्रपोर्शन फिक्स रहेगा. लाइक दैट अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया, सेम लाइक दैट.
so that compounds can be further divided into three classes: acids, bases, and salts on the basis of their properties. H2SO4, sulfuric acid, NaOH, sodium hydroxide, Na2SO4, sodium sulfate. Now, characteristic of compounds: a compound cannot be separated into two components physical method. मतलब components मतलब its components मतलब वो जिस component से मिलके बना है, जैसे water, oxygen और hydrogen से मिलके बना है, two components है उसमें, तो physical method से वो separate नहीं होंगे. And what are the physical process are there? Physical methods are filtration, evaporation, sublimation, distillation, solvents, magnets. These are what? Physical methods. Remember that. Okay. Now next, there is the properties of a compound are entirely different from those of its constituent elements. Okay. We discussed that hydrogen and oxygen both are that combustible substance and one is helps in combustion. But जो water है उसका use किया गया था है turn off the fire means आपको बुझाने के लिए उसका यूज किया था. सो टोटली डिफरेंट कंपाउंड प्रॉपर्टी. ओके, एस देयर इज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एनर्जी इज यूजुअली आइदर गिवन आउट और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड. जब भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो हीट, देयर इज अ एनर्जी, हीट, लाइट एक्सेट्रा आर गिवन आउट, अदरवाइज एब्सॉर्ब. नेक्स्ट वन, अ कंपाउंड इज ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर देयर. एंड नेक्स्ट, अ कंपाउंड इज ए होमोजीनियस सब्सटेंस. Next one, the composition of a compound is fixed. The constituents are present in a fixed proportion by mass. Clear this one? Thank you.